Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for One Earth. First ever national level Ayurveda documentary film contest on behalf of Charaka Jayanti 2023. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Kattumos Vaidiratnam Aushadashala Trishur Kerala. मुझे खुद को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब भी मैं टीवी पर फिल्म वगैरह देखता था तभी मैं सोचता था कि ये फिल्म बनाने में इतना वक्त क्यों लगता है, इतनी मेहनत क्यों लगती है। लेकिन जब भी हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी स्टार्ट की तब स्क्रिप्ट से लगे अभी तक जो कुछ भी एफर्ट्स हमने लगा है, जो कुछ भी मेहनत हमें लगी है, उसमें से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने का भी मौका मिला। इस वीडियो शूटिंग के दौरान हम कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर को मिले। उनको मिलने के बाद हम आयुर्वेद को और अच्छी तरह से जान पाए। और उसके अलावा डेली लाइफ में आयुर्वेद तो उपयोगी है ही, लेकिन एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स में आयुर्वेद कितना उपयोगी है वो भी जानने को मुझे मिला। जब हमने पहले पार्टिसिपेट किया तो हमें पता नहीं था कि ये इतना टफ होगा, लेकिन जब हम इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमें पता चला सिनेमेटोग्राफी, वॉइस डबिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब बहुत मेहनत का काम है। और जब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए रिसर्च की तो हमें पता चला कि आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर पोल्यूशन इतनी ही मात्रा में बढ़ता गया तो एक दिन पूरी दुनिया कचरे की बन जाएगी और उस दुनिया में अधर्म के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं सोच रही थी कि मैं हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रही हूँ तो मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, लेकिन जब वीडियो के लिए मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि मेरे आसपास 90% पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, चाहे वो ले लो सॉइल का हो या एयर का हो। तो जब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल यही सॉइल और एयर के माध्यम से पाए जाते हैं तो ये कैसे हेल्दी हुए, तो इसीलिए मैं लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि ये बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोकने में एक साथ जुड़े। इस तरह आचार्य चरक ने बताया कि कितनी अच्छी नगरी कांपिल्य धनवान और पूजा पाठ करने वालों के वहाँ पर भी जनपदों ध्वंस भाव दिख रहा है, उसका एक ही कारण है अधर्म। माननीय अर्पण भट्ट सर ने जैसे दो शब्द बताए, धर्म और प्रायश्चित, ये दो शब्द हमें किसी जाति के संदर्भ में न लेते हुए मनुष्य के जो रोज के कर्म है उसमें हमें कोरिलेट करना है। जैसे कि नदी में और अन्य पानी के जो सोर्सेस है उनमें कचरा फेंकना, ये अधर्म हो गया। साथ ही में उस कचरे को साफ करना और फिर उसमें आगे कचरा ना डालना, ये हो गया प्रायश्चित। इस कॉन्टेस्ट को और भी गहराई से जानने के लिए हमने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल रीड किए, बहुत सारे लोगों से मिले, तब जाके हम लोगों को पता चला कि जितना हमें पता है आयुर्वेद कितना सीमित नहीं है, आयुर्वेद बहुत ही डीपली है। जो हमें आयुर्वेद के ऊपर जो हमारा भरोसा था वो और भी ज़्यादा गहरा हो गया। फर्स्ट और सेकंड ईयर के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा था ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट का इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, लेकिन लोगों से मिले, ये सब रीड किया, तब हमें पता चला कि बहुत कुछ है जो हिडन है आयुर्वेदा में, जो हमें लोगों तक पहुँचाना है। आज भी हम लोगों को लगता है कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आज भी जनों को तो कारक भाव में ही जी रहे हैं, और इसका मैनेजमेंट हो या इसकी ट्रीटमेंट हो वो सब कुछ चरक आचार्य ने पहले से दे के रखी है, लेकिन वो हमें लोगों तक पहुंचानी है। और लोगों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वो है वीडियो के थ्रू, क्योंकि आज के समय में कोई भी इतना टाइम नहीं रहता लोगों के पास कि वो आर्टिकल रीड करे या फिर बुक रीड करे, वो वीडियो ही देखते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से। तो हमारा इतना मोटो है कि हम लोगों तक पहुँचाए ये वीडियो और आयुर्वेदा को लोगों तक पहुँचाए, और इसकी अपॉर्चुनिटी हमें आपताज ने दी है, उसके लिए धन्यवाद। Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.